अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज हमारे गांव मियाँ चन्नू शहर के साथ गांव है, वहाँ बारिश हो गई है, बादल बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठंडी हवा साथ तेज़ हवा चल रही है और बारिश पड़ रही है। पे आ गया हूँ, आपको आज तरफ का व्यू दिखाता हूँ। तूफानी बारिश से बोलते हैं तूफानी, ये देखे बादल देखे, काले स्याह बादल आंधी तरह के। हेमर छत का रिव्यू, हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही है, अभी शुरू हुई है। ये देख सकते हैं आप, गंदम छत के ऊपर डाली हुई है, वो उठा रहे हैं, वो देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये गंदम छत के ऊपर डाली हुई है, उनको अभी पता नहीं चला, वो अभी भागते हुए आएंगे और गंदम उठाएंगे अपनी, नहीं तो गीली हो जाएगी। फिर मैंने ऊपर परिंदे देखने आया हूँ कि मेरे परिंदे तो नहीं भीग रहे, तो वैसे तो मैंने इंतज़ाम किया, लेकिन अभी मैं देखता हूँ। ये मैं परिंदों के पास आ गया हूँ, ये देखे जी परिंदे तो घास खा रहे हैं माशाल्लाह। ये कुछ रैबिट हैं, कुछ सील मुर्गे हैं, वो कबूतर लैदा लैदा हर पिंजरे में लैदा बनाए। हाँ इधर से ये देखो, इधर से बारिश आ रही है, इधर से कहीं कहाँ से पानी गिर रहा है ये। हाँ इधर से आ रहा है, ये देखें इसकी चारों तरफ जाली लगी हुई है ना, तो बारिश का जिस तरफ ही रुख होगा पानी अंदर ही आएगा, इसका कोई प्रॉपर हल करना पड़ेगा, नहीं तो परिंदे तो भीग जाएंगे सारे। इधर मैं व्यू दिखाता हूँ आपको बाहर का, ये हमारे हम जो रहते हैं ना, हमारे साथ वाली जो गली है उसके बिल्कुल पास रकबे शुरू हो जाते हैं ज़िम्मेदारों के। ये देखें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये फसलें लोगों ने काश्त की हुई हैं। अभी हमारे इधर आलूओं की तैयारी है, ये खाली ज़मीन आलू बीजेंगे यहाँ, और जो पीछे हैं वो मकई की काश्त की हुई है और चारा है। इधर हमारे घर के सामने एक और फार्म है, ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये मोरों का फार्म बनाया हुआ है भाई ने। छत के ऊपर भी मोर हैं, उसके नीचे जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है वहाँ भी मोर हैं। ये सामने जो है देख रहे हैं आप, ये हमारी मस्जिद अहले सुन्नत बन रही है माशाल्लाह, बहुत जल्द बहुत लोग हिस्सा मिला रहे हैं इसमें। और जो हमारे चौंक की साइड है, ये हमारी बड़ी मस्जिद है देवबंद की, यानी कि जो कहते हैं अहले हदीस की, ये अहले सुन्नत जमात की बन रही है, वो अहले हदीस जमात की है। और ये मेरे चक का ऊपर की छत से आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं, माशाल्लाह बहुत। और ये मैंने अपना शौक किया हुआ है, ये कमरा बनाया था इसके साथ, ये जगह यानी कि पड़ी थी, लेकिन ये जो छत है ना, यहाँ पे वज़न नहीं कर सकते थे, क्योंकि नीचे दो मंजिलें बनी हुई हैं इस कमरे के ऊपर, तो वो नीचे जो गार्डर है ना वो थोड़े से टेढ़े हो रहे थे, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ दिया। तो मैंने घर वालों के कहने के बावजूद फिर भी यहाँ पर ना एक और कमरा बना लिया, वज़न तो बहुत ज़्यादा हो गया छत पर। ये मैंने देखो बनाया, मुर्गी फार्म जैसे होता है ना ऐसे बनाया हुआ है मैंने। शौक़ मुझे बहुत है जानवरों का, परिंदों का, लेकिन ना क्या करें कि जब बीमारी आती है ना, मारते हैं ना जानवर, तो फिर बहुत मसला लग होता है। ये इस पिंजरे में वो एक फिशल का जोड़ा है, एक मिनट कैमरा साफ नहीं आ रहा, ये आपको मैं दिखा दूँ। इस पिंजरे में वो सामने एक फिशल का जोड़ा है, सीरियल है, और वो जो कबूतर हैं ये है देसी मुर्गियों के बच्चे, मैंने लिए थे 400 रुपये किलो। और ये एक ब्रॉयलर के बच्चे जो आते हैं ना कापी पेंसिलें देकर और कागज़ रद्दी वगैरह से, ये उनसे लिया था ब्रॉयलर का बच्चा, ये 4 मंथ का हुआ है अभी, देख लो बाढ़ ही नहीं रहा, ये इतनी ख़राब हुई देते हैं। और ये मेरे सील मुर्गे, ये अपने बच्चे यानी कि निकाले थे मैंने मुर्गी के नीचे से, तो माशाल्लाह पहली दफ़ा निकाले तो सारे बच्चे निकले, तो कल 2 मैंने सेल कर दिए थे 1,000 रुपये के। ये तकरीबन इनका वज़न 1 पाव है। और ये जो सामने आपको देख रहे हैं, एक सिर के ऊपर कलगी है और बोधी सी है, इसे हम कहते हैं मुर्गी को, ओ क्या नाम है जी इसका, पालश मुर्गी के बच्चा है ये, एक मिट्टी से कलर का। और जो छोटा सा पेड़ है गोल्डन कलर का, ये है जी हैवी मुर्गी का। ये जोड़ा जोड़ा था मेरे पास, तो वो एक होने की वजह से वो मर गया बीमारी की वजह से। तो बारिश अभी कम हो गई है जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त अपने प्यारे भाई को,
ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू आर फ्रेंड, ओके, अल्लाह हाफिज़।